हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमेंट में इन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है जिन लोगों ने पीटी पीएसटी क्वालिफाई किया है, यानी पीटी आपने क्वालिफाई किया होगा, यानी हाइट पेस्ट चेस्ट आपने रनिंग क्लियर कर लिया होगा, तभी आपका इस एडमिट कार्ड को जारी किया होगा। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप फेल हो गए हैं, तो आपका इसमें नहीं होगा। ये था बीएसएफ ट्रेडमेंट 1284 पुस्तों का यहाँ पर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, जिसे अभी बढ़ा करके यहाँ पर 2158 पोस्ट कर दिया गया है। और इसके रिकॉर्डिंग में मैं बात कर लूँ कि आपको क्या क्या परीक्षा हॉल के समय ले जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा परीक्षा केंद्र जो एग्ज़ाम सिटी होने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआरा एट जम्मू डिस्ट्रिक्ट रोहतास बिहार इंडिया। तो इस तरह से आपको देख लेना है, अपना टाइमिंग देख लेना है कि किस डेट में है। तो देख सकते हैं कि 28 की डेट में, जैसा कि नोटिस में बताया गया था कि 28 के डेट में ही आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया गया है 7 बजे से, क्लोजिंग टाइम आपका 8 बजे दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर जो आपकी होने वाली है, आपका एग्ज़ाम सेंटर का कोड यहाँ पर दिया गया है। अब इसके रिगार्डिंग और एक और बातें कर लूँ, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि क्लोजिंग और रिपोर्टिंग टाइम, इन दोनों को आपको बीच के ही समय में आपको उपस्थित होना होगा। अब इससे रिगार्डिंग कुछ बातें जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको इसको फॉर्म को फिलअप कहाँ करना है, घर से फिलअप करके ले जाना है या वहीं जाकर फिलअप करना है। तो मैं बता दूं कि वहीं जाकर के आपको फिलअप करना होगा। जैसे मैं ये लिखा गया है हिंदी में तो यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, जैसे मैं इंग्लिश में लिखा गया तो इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ पर 9 तक आपको फिलअप करना होगा। फिर उम्मीदवार का नाम, इन कैंडिडेट का नाम लिखना होगा, मदर का नाम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सभी फिलअप आपको वहीं करना है अंदर बैठ करके। उम्मीदवार का यहाँ पर अंगूठे का निशान आपका लग जाएगा, यहाँ पर आपको जो होने वाला है आपका हस्ताक्षर हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। अब मैं आपको बता दूँ कैसे आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है बीएसएफ के। जैसे कि कुछ बातें ऐसी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है बीएसएफ की। जैसे कि हम बीएसएफ के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको किस लिंक पे आपको क्लिक करना है वो जान लें। जैसे कि मेरे बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं हो रहा है, किस क्यों नहीं हो रहा है, किस रीज़न की वजह से नहीं हो रहा है वो जान लें कि आप डाउनलोड इस वाले ऑप्शन पर कर रहे होंगे। जैसे कि एडमिट कार्ड विल मस्ट मल्टीपल पोस्ट एग्ज़ाम शेड्यूल, यानी इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। लेकिन आपको जो डाउनलोड करने का यहाँ पर जो दिया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेनिंग एग्जाम शेड्यूल, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ से आपका आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपको रोल नंबर आपको कहाँ से निकालना है। आप दो तरीके से रोल नंबर निकाल सकते हैं, एक उनके द्वारा एसएमएस के द्वारा भेजा जा रहा है रोल नंबर, और पासवर्ड भेजा जा रहा है उनके द्वारा, और एक जो यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद आपको कैसे आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे ही बीएसएफ की वेबसाइट पर आपको लॉगिन करके, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय ईमेल आईडी दिया था और जो भी आपका पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड को डाल लेना है। अगर पासवर्ड आप नहीं बना पाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर अपना रोल नंबर को पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं अपना सिटी और सेंटर को चूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना डेट, जो उनके द्वारा पासवर्ड दिया गया है उनके द्वारा पासवर्ड को मैं चूज कर लेता हूँ। जैसे कि आप देखा, मैं चाहूँ तो आपको दिखला भी देता हूँ कि एसएमएस किस तरह से भेजा रही उनके द्वारा भेजी गई मैसेज में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके द्वारा भेजे गए पासवर्ड यहाँ पर रोल नंबर दिया गया और पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है। तो इसी को कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करके आपको पेस्ट करके मैंने यहाँ पर अपना रोल नंबर DOB जो उनके द्वारा पासवर्ड के रूप में भेजा गया है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन वाले बटन पर जैसे आप क्लिक करिएगा यहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि उस ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है जो मल्टीपल पोस्ट के लिए है, उस ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है। आपको सिंपली बीएसएफ ट्रेडमेंट एग्ज़ाम के लिए करना है, उस पर आपको आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आपको दिखा देगा, आपका फादर नेम, रोल नंबर और जो एग्ज़ाम रोल नंबर है वो सब दिखा देगा। उसके दिखाने के बाद यहाँ पर फोटो भी आपका दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करने के लिए आपको जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ से आपका नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं 28 अगस्त को एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। यहाँ से आपका कांस्टेबल ट्रेडमेंट का होने वाला है, जो आपका सेंटर होगा उसका नाम दिया गया है। नाम देने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड का बटन भी दिया गया है, जहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पर डाउनलोड वाला बटन पर क्लिक कर दिया हूँ, मैंने यहाँ से PDF फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। जैसे कि विजारक आप देख सकते हैं कि रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपका देख सकते हैं। अब बात रही इससे रिगार्डिंग आपको क्या क्या ले जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पर। एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ले जाने के लिए 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यानी 2 आपको फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ मेंटेन यानी आपके पास ओरिजिनल ID प्रूफ में बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, इन सभी आप ले जा सकते हैं। और अब यहाँ पर बात आती है 2 कलर कॉपीज ई प्रिंट पेज। आपको एक ही पेज को बोला गया है कि कलर में आपको एक ही PDF को प्रिंट करके लाना है। आप अगर ट्रांसमिशन में ब्लू पेन यहाँ पर ले जा सकते हैं, चाहे तो आप अपना सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह सब कुछ ले जा सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी चाहते हैं तो मैं बता दूं कि पिछले मुताबिक जब BSF के एग्ज़ाम हुए हैं RORM में, उसमें 2 कलर फ़ोटो लिए गए थे और 2 एडमिट कार्ड लिए गए थे। एक ओरिजिनल ID प्रूफ में आपका कुछ भी चल जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि और भी कुछ भी जानकारी यहाँ पर नहीं दिया गया है उनके द्वारा, तो आपको इन बातों को ख्याल रखना है। इन्हीं बातों से आपको यहाँ पर हो जाएगा तो आप सिंपली एग्ज़ाम दे पाइएगा। तो एग्ज़ाम में आपको जाना है और बेहतरीन तैयारी करके जाइएगा ताकि आपको भी सफलता मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर बता दी कैसे आपको डाउनलोड करना है BSF ट्रेडमेंट का एडमिट कार्ड। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।